राजधानी के बिड़ला ऑडिटोरियम में बुधवार को दो दिवसीय कृषि संकल्प राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। आईएसएपी की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय के वीसी ललित के पवार ने किया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से आए किसान हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम से आय बढ़ाने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर किसानों ने प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें नवाचारी किसानों की स्टॉल्स आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में गैस ऑफ ऑनर पद्मश्री जगदीश पारेख ने अपने उद्बोधन में किसानों को जैविक खेती अपनाने पर जोर दिया। वहीं पर आईएसएपी के सीईओ सुदर्शन सूर्यवंशी ने किसानों का स्वागत करते हुए नवाचार करते रहने को प्रोत्साहित किया। रासायनिक खेती जो हो रही है ना आज, उसमें किसान को किसान की जो लागत है वो करीब 100 गुनी लगती है। हाल में उसके पैसे लगते हैं, हर फसल में 3-4-5 हज़ार रुपये की दवा खर्च के उसमें डाली जाती है, लेकिन जो जैविक खेती कर रहे हैं उनमें दवा की दरकार नहीं है। उसमें यूरिया डीएपी लेने की नहीं, वो खाद कंपोस्ट खाद अपने यहाँ बनवाएगा, और पशुपालन में पशुओं का जो चारा है पशुओं को खिलाएगा, उनका गोबर खेती में डालेगा। तो ये वास्तव में जीरो बजट जो खेती है उसमें एक बार किसान है, लाख रुपए की आय होती है, 20,000-30,000 रुपए खर्च करता है, और हमारे वाले में लाख रुपए की जो आय है वो उसके पूरे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।